शादी का झांसा देकर महिला से बनाए अवैध संबंध, फिर बनाई तस्वीर और ब्लैकमेल कर ऐठे पैसे। हाथ लगा जब मनसे के कार्यकर्ता के, तो देखिए किस तरीके से मनसे ने अपने स्टाइल में सिखाया सबक। अरे तुमच्यासारखे नालायकांमुळं मुलींना त्रास या सगळ्या गोष्टी लाज वाटते का तुला या गोष्टी करायला? मुंबई टीव्ही हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मनसे के पदाधिकारी गणेश भोगरे, उन्होंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का गिफ्ट आप सभी को दिया है। कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि महिला है, वो पीड़ित हो जाती है और उनको कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो कैसे जो है ऐसे दरिंदों से बचे जो उनके अवैध संबंध बनाते हैं और उसके बाद उसकी तस्वीरें ब्लैकमेल करने के बहाने पैसे ऐंठ लेते हैं। और ऐसे को सबक किस तरीके से गणेश भोगरे ने सिखाया है और अपने मन से स्टाइल में उन्होंने कैसे आह्वान भी किया है कि आप लोग अगर ऐसे दरिंदों से फंस जाते हैं तो कैसे जो है वो तुरंत आप जो है मन से स्टाइल में आकर के सबक सिखा सकते हैं। देखिए ये सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ वीडियो। अरे तुमच्यासारखे नालायकांमुळं मुलींना त्रास या सगळ्या गोष्टी लाज वाटते का तुला या गोष्टी करायला? माझं प्रेम प्रकरण होतं, त्यांनी मला लग्नाचं आश्वासन दाखवून मला फसवलं आहे। त्यांनी माझे नको त्या अवस्थेमध्ये फोटो काढले, माझ्याकडून पैसे घेतले, आता मला तो ब्लॅकमेल करतो। मी गणेश दादा यांना मी कॉल केला, गणेश दादांनी मला खूप म्हणजे खूप मदत केली। फिर मारने काय का तू? काय रे बाबा काय केलं तू? भाऊ माझ्याकडून चुकी झाली, पण तू त्या ताईचे व्हिडिओ व्हायरल करणार होता का? नाही भाऊ माझ्याकडून चुकी झाली। तू त्या ताईला व्हिडिओ कुठे, तिचे फोटो कुठे? मी तुमच्या डिलीट करतो सगळं। तू का तिला डोस दिला? तू काय तिचे कसले फोटो बघू? चुकी झाली भाऊ, मी डिलीट करतो सगळे फोटो। तू का काढले होते? तिला ब्लॅकमेल करायला काढले होते का? अरे तुमच्यासारख्या नालायकांमुळं मुलींना त्रास या सगळ्या गोष्टी लाज वाटते का तुला या गोष्टी करायला? कर डिलीट, सगळे डिलीट कर, एवढे फोटो ठेवले होते अरे लाज वाटली पाय। काय तुमचा बँक चुकी झाली भाऊ? आमच्या बहिणींना काय बी झालं ना? गणेश भोकर इथे जिवंत आहे, ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।